सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प रास्ता। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट कार्डलेस के बारे में। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदने के एक महीने बाद कैसे आप उसे पेमेंट दे सकते हैं, या फिर आप बगैर किसी क्रेडिट कार्ड या किसी डेबिट कार्ड के आप ईएमआई पर सामान कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर जो है फ्लिपकार्ट ने दे दिया है, उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे ऑन लेटर, फिर उसके बाद जो है फ्लिपकार्ट कार्डलेस, इन दो नामों से ये फीचर जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके मोबाइल में ये नहीं दे रहा है तो आप इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखते रहिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी द बिग बिलियन डे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पर, नहीं तो नीचे आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर बिग बिलियन डे का जो यहाँ पर बैनर दिख रहा है सबसे ऊपर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अगर बिग बिलियन डे ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वो बैनर आपको दिखने लगेगा, या कोई भी बैनर दिखता रहे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है। फिर आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आके यहाँ पर देखना है कहीं पर भी आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कार्डलेस क्रेडिट अपग्रेड टू, यहाँ पर देख सकते हैं 60 सेकेंड में जो है आप 60,000 तक का क्रेडिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है ये 60,000 आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके क्रेडिट के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पर 60,000 सबको नहीं दिया जाएगा, जैसा आपका क्रेडिट होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैलेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इस पर अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं बैनर पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं अवेल नो कॉस्ट EMI ऑन ऑल प्रोडक्ट्स फॉर 3 and 6 months। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 month से 6 month का आप EMI ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई का बटन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। तो मैं पहले से अप्लाई किया हूँ इसलिए हमारे सामने नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो है 5,000 का क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको अप्लाई करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पैन नंबर डालना है सबसे ऊपर और नीचे आधार कार्ड नंबर डाल करके कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्टर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके उस जो रजिस्टर है आधार कार्ड में, उस मोबाइल नंबर पर जो है आपके OTP आएगा, उस वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि नेम आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में होगा वो सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एड्रेस देख लीजिए, मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पर 30 सेकंड लग सकता है या 1 मिनट। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका कार्ड लिमिट कितना है। तो आपका कार्ड लिमिट जितना भी होगा वो आपका यहाँ पर कार्ड लिमिट दे दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड में शो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं अपने डैशबोर्ड में, आप जो ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम बैक चलते हैं और मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 lines पर मैं जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर फिर उसके बाद माई अकाउंट पर क्लिक करना है। माई अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना ईमेल ID मोबाइल नंबर हाइड किया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कार्डलेस क्रेडिट, यहाँ पर देख सकते हैं 169 का मैंने परचेस किया है और 5000 हमें मिले हैं टोटल परचेस करने के लिए। आप इसे ईएमआई से भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है, यहाँ पर इसे पेमेंट करना है। ये पेमेंट आपको कब करना है, 1 नवंबर से पहले आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नवंबर को मेरा ये बिल जनरेट होगा। आप जिस महीने में, जैसे कि अक्टूबर में आपने ऑर्डर किया, 1 नवंबर को बिल जनरेट होगा और 15 नवंबर के अंदर आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑर्डर का डिटेल्स दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ईएमआई का कुछ ऐसा आइकन रहेगा, पे ऑन लेटर का कुछ ऐसा आइकन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। और चलिए मैं कोई भी प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ईएमआई का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कोई भी मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन मैंने जैसे ही सर्च किया, यहाँ पर कोई भी हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जो 5000 के अंदर हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई कॉल का ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, केवल आपको दिखा रहा हूँ, ऑर्डर मैं नहीं करने वाला हूँ, वो ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाता है कार्डलेस क्रेडिट पे लेटर नो कॉस्ट ईएमआई। इस पर आपको बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस मैंने इसे हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट मेथड पे जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कार्डलेस क्रेडिट पे लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप इस पर ही रहने देते हैं तो आपको अगले महीने फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्डलेस क्रेडिट ईएमआई, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 351 रुपये आपको जो है पेमेंट करना है महीने का। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर ईएमआई कर सकते हैं। फर्स्ट बार आप जब ईएमआई से लेंगे तो आपका जो है ओटीपी से वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप कार्डलेस या पे ऑन लेटर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।